एक बड़ी पुरानी कहावत है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक, ऑस्ट्रेलिया में अपने विदेशी दूतावास को अस्थायी तौर से बंद कर दिया है। आपको बता दें, श्रीलंका में इस वक्त बेहद हालात खराब हैं। आपातकाल 1 अप्रैल को लगा हुआ था, हालांकि मंगलवार को एक आपातकाल हटा लिया गया, लेकिन सेना की तरफ से ये कहा गया कि अगर विरोध के नाम पर हिंसा की गई और किसी तरह की तोड़फोड़ की गई तो फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन जो प्रदर्शनकारी उतरे हैं, वो प्रदर्शनकारी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं उतरे हैं, बल्कि इन प्रदर्शनकारियों को अब समझ में आया है कि दरअसल हुआ क्या है श्रीलंका के अंदर। क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर लोग ये बातें कह रहे हैं कि ये आर्थिक संकट आया है। ये आर्थिक संकट क्यों आया है? क्योंकि हमने सब कुछ चीन को बेच दिया है। हमारे पास जो था हमने उसे बेचने के काम में लगाया है। इनने दूसरे देशों को उधार देकर उनका सब कुछ खरीद लिया है, और यही वजह है कि अब हमारे देश में ऐसे हालात बने हुए हैं। अब हालात तो श्रीलंका के ऐसे बन गए हैं कि श्रीलंका बांग्लादेश तक से कर्ज मांग रहा है। वैसे जिम्मेदार कहीं न कहीं श्रीलंका के सरकार भी है, नीतियाँ भी है। प्रदर्शनकारी अपने सरकार को दोष दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया चीन को। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कैसे रहना है, कैसे आगे चलेगा। खैर, इस वक्त बेहद आर्थिक संकट में है श्रीलंका, और श्रीलंका को जरूर देखना पड़ेगा कि आगे स्थिति कैसी होगी। पर श्रीलंका को चीन ने अभी के लिए तो मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब श्रीलंका के पास सिर्फ और सिर्फ भारत एक उम्मीद बनी है। ऐसे आप देखेंगे इस वक्त द प्रिंट में एक इस तरह की खबर निकली है जो बता रही है कि इस वक्त किस तरह के हालात हैं भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान में और श्रीलंका में। दोनों ही चीन के कर्ज तले दबे पड़े हैं और दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसा चल रहा है, और दोनों कह रहे हैं बड़ा लोनली फील हो रहा है, बिल्कुल अकेलापन फील हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी चुनो, लेकिन गद्दी पर जब भी चुनो तो बहुत सोच समझ कर चुनो कि उसकी नीतियां दूर में कितना असर करेंगी। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत क्या बड़े लेवल पे मदद कर पाएगा श्रीलंका की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।